हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे मसूरी ट्रैकिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। मसूरी में यूँ तो दर्जन भर ट्रैकिंग रूट हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख और सबसे इजी ट्रैकिंग रूट है राजपुर झड़ी पानी ट्रैकिंग रूट। यह ट्रैकिंग रूट कहाँ से शुरू होता है और मसूरी में कहाँ पर आकर पहुँचता है, मैं आपको सब बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूँ उत्तराखंडी फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मेरे पापा मिस्टर प्रदीप भंडारी, और ये आपको उस रूट के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी बताएंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। और राजपुर झड़ी पानी जो ट्रैकिंग रूट है, इसके ऐतिहासिक महत्व को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी स्थान पर चलकर आइए। चलिए दोस्तों, हम उस ऐतिहासिक स्थल में खड़े हैं जहां पर ये जनवरी 1929 का मसूरी नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है। ये यहाँ पर एक टोल के जो रेट होते हैं उसको दिखाता हुआ ये बोर्ड है। और यहाँ से, क्योंकि जैसे कि ये मसूरी का सबसे पुराना रोड है, जब मसूरी बसी होगी तो जो अंग्रेज थे और जो तमाम देश दुनिया से आने वाले जो लोग थे, वो इसी रूट से होकर के झड़ी पानी होते हुए मसूरी गए, और मसूरी में उन्होंने अपना मचान बनाया, घर बनाया और मसूरी बसाई। तो ये सबसे पुराना ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर आज भी जनवरी 1929 का ये नगर पालिका का एक बोर्ड लगा हुआ है। और इसमें ये डांडी, ये और डोली, घोड़े, खच्चर, इन सब के जो टोल के रेट होते थे जाने के, उसके लगे हुए हैं। जो बोझ है, गाय, बैल, बछड़े, मेड़, मेंढा, रिक्शा, तो उस समय जो है डांडी हुआ करती थी और रिक्शा हुआ करते थे। तो जो अंग्रेज़ लोग, अंग्रेज मेम साहब तमाम, जो पैदल नहीं चल पाते थे, उन्हें यहाँ के जो पहाड़ के लोग थे और जो घोड़ा और रिक्शा और डांडी का काम करते थे, वो उन्हें उनमें बिठा करके ले जाते थे इस रूट से। और साथ में जो सक्षम व्यक्ति थे, वो खुद ही यहाँ से पैदल होकर के इस रूट से मसूरी जाते थे। और जब तक कि ये हमारी कुठाल गेट से लेकर के और मसूरी का जो रूट हम आज जाते हैं गाड़ियों में, जब तक वो रोड नहीं बना था, उससे पहले सभी लोग यहीं से मसूरी जाते थे। और उस रूट बनने के बाद भी, देश के आज़ाद होने के बाद भी और अभी तक भी, बहुत सारे लोग, मसूरी के लोग आज भी यहाँ से पैदल राजपुर होते हुए देहरादून जाते हैं और देहरादून से होकर के फिर वापस इसी रोड से मसूरी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये रूट जो है एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एक मॉर्निंग वॉक का सबसे प्रमुख रूट बन चुका है। और इसके अलावा जो ये मुख्य रूप से जो एक आज मसूरी में अपनी पहचान रखता है ये रूट, ये ट्रैकिंग रूट के रूप में अपनी पहचान रखता है। और यहाँ पर जो है हर रोज सैकड़ों लोग जो हैं इस रूट से होकर के ट्रैकिंग करते हुए मसूरी पहुँचते हैं। और जो सैटरडे और संडे होता है, उस दिन खासकर यहाँ एक बहुत बड़ा मेले के रूप में ट्रैकिंग के शौकीन लोग यहाँ आते हैं। और तमाम स्कूल के बच्चे भी जो हैं यहाँ 400, 500, हज़ार की संख्या में स्कूल के बच्चे और तमाम लोग यहाँ आते हैं। तो मसूरी के लिए जो है एक प्रमुख ट्रैकिंग रूट है, और इस रूट से जो है मसूरी को ये रूट जोड़ता भी है, और मसूरी के लिए एक नया पर्यटन स्थल के रूप में भी ये रूट विकसित हुई है। और धीरे धीरे ये रूट काफ़ी पसंद की जा रही है। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक स्थल है, और इससे कुछ आगे हम अभी चलेंगे जहाँ पर अंग्रेज़ों ने, जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था और 1942 में यहाँ पर मसूरी को ट्रेन से भी जोड़ने की कोशिश की थी, और आगे उन्होंने एक टनल बनाया था। तो जो टनल है उसको भी हम आपको अभी आगे दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं उस ऐतिहासिक स्थल पर खड़ा हूँ जो राजपुर से झड़ी पानी जाते हुए राजपुर टोल से कुछ कदम आगे। ये देखिए आप, ये एक टनल बना हुआ है, ये रेलवे का टनल है। और इसे 1942 में लगभग, जब यहाँ पर अंग्रेज का राज था, उन लोगों ने ये मसूरी को ट्रेन से जोड़ने के लिए देहरादून, राजपुर होते हुए मसूरी तक अंग्रेज़ों का ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य था, इसलिए उन्होंने ये सुरंग बनाई थी। ये सुरंग है, और देखिए 1942 से आज तक यथावत है, वैसी है। इसकी चिनाई देखिए, हर चीज़
कितनी मजबूती के साथ ही बना होगा, इसने कई बारिशें, कई भूकंप और कई प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। इसमें पहाड़ टूट गया और ये मलबा आने से ये सुरंग दब गई, और सुरंग अब काफ़ी कम मात्रा में है, बहुत छोटे रूप में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास ये सुरंग आपको दिखा रहा है, बता रहा है। और ये जो खासकर ये जो सुरंग है, ये राजपुर से झड़ीपानी जो हमारा ट्रैकिंग रूट है और मॉर्निंग वॉक के लिए भी ये रूट आजकल अपनाया जा रहा है, तो उस पे जाते ही ये रोड के बिल्कुल पास पड़ता है। अगर आप कभी यहाँ पर ट्रैकिंग करने आएँ तो इस सुरंग को भी जरूर दिखेगा, क्योंकि ये सुरंग हमें इतिहास से जोड़ती है। तो दोस्तों, ये है आपका राजपुर झड़ीपानी ट्रैकिंग रूट जो कि ओग्रोव स्कूल पर आकर मिलता है। आप सभी ने इंजॉय किया होगा, और देर किस बात की, आइए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस ट्रैकिंग रूट पर।